कि सर यहाँ तो 70-75 है, एग्जाम सेटिंग में कहीं 5-10% भी गिर गया तो हम फेल कर देंगे। प्लीज अपने आप को चेक ही मत करिए, डू नॉट चेक योरसेल्फ इन द लास्ट 1 वीक। लास्ट 5 दिन में आपको टारगेट करना चाहिए कि आप मिनिमम 2 रिविजन कर दिए। सो इट्स लाइक दिस, पहले 3 दिन में 1 रिविजन, बाद के 2 दिन में 1 रिविजन। सब योर स्कोर रीचेस द एमपीएस 70-75-80% का टारगेट एरिया आपका हिट हो जाएगा। लास्ट 3-5 दिन में आपका फोकस होना चाहिए रिविजन पे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक करते हुए देखा है, वेरी वेरी श्योर दैट अगर आप लास्ट 1 वीक में मॉक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दिस कैन बी सुसाइडल टू योर प्रिपरेशन, स्पेशली इफ यू आर एन L2 पार्टिसिपेंट। Watch it till the end. The bonus segment for L2 participants is placed right at the end. Hello candidates, I'm Karan Singh, lead trainer for CFA trainings at the Wall Street School. By qualification, I'm a CFA charter holder and a chartered accountant. We are in the last leg of CFA preparation. I'm 100% sure that your preparation is going really well. I'm just here to give it the boost it deserves. If you have a CFA exam in next 3 to 4 days, this is going to be the most relevant video for you, especially if you are an L2 participant. So watch it till the end. The bonus segment for L2 participants is placed right at the end. So let's start. We will discuss the don'ts first. Mistake number one that a lot of candidates do: attempting mocks in last 1 week. Yes, you heard it right. I'm very, very sure that agar aap last 1 week mein mock exam attempt kar rahe hain, so this can be suicidal to your preparation. Trust me, there have been students in the past who have reached out to me saying preparation bahut achhi chal rahi thi. हमने लास्ट में 1 वीक में मॉक अटेम्प्ट कर लिया, उसमें हमारा स्कोर 65% आया है। डू यू रियली थिंक आई शुड अटेम्प्ट द एग्जाम दिस टाइम अराउंड इटसेल्फ? डू यू थिंक हमें डिफरेंट ले लेना चाहिए? ये रिस्क है अगर आप लास्ट 1 वीक में मॉक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। बिकॉज इट्स लाइक दिस, अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो लेट्स से 2-3-4 हफ्ते पहले, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू हैव द टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। अगर आपका कोई 2-4 सब्जेक्ट में स्कोर नहीं भी बना, यू ऑलरेडी have prepared for the balance 6 subjects, आप इन 3-4 subjects पे अच्छे से मेहनत कर सकते हो, अपने ग्रे एरियाज वीक एरियाज पे वर्क अराउंड कर सकते हो, एंड यू कैन स्टिल मेक श्योर दैट योर स्कोर रीचेस द एमपीएस 70-75-80% का टारगेट एरिया आपका हिट हो जाए। बट व्हाट विल हैपन इफ यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम इन द लास्ट 1 वीक? अगर स्कोर बहुत अच्छा आ भी जाता है तो हमें ऐसा लगता होता है कि ठीक है, मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, दिस इज गोइंग फाइन, सो इट इज नॉट गिविंग यू एनी बूस्ट। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, what if score tanks around? What if you are trying to get somewhere in your 90% mark or aapne exam attempt kiya aur aapka score aaya 65% 70%, straight up what you tend to feel is that no, I'm not meant for this exam, at least this time around main deferral le leta hu and next time dekh lenge, shayad is baar preparation achhi nahi hai, stuff of those lines. It's like this, in the last 1 week it is your responsibility to keep your confidence right up there. This is going to be a confidence game. 70-75% का score अगर नहीं hit हो रहा ना last 1 week में, तो वो suicidal हो जाएगा। एक और बात, अगर वो hit भी हो जाता है तो भी I've seen students say that okay sir यहाँ तो 70-75 है, exam setting में कहीं 5-10% भी गिर गया तो हम fail कर देंगे। Please अपने आप को check ही मत करिए। Do not check yourself in the last 1 week. Solution क्या है इसके against, क्या करना चाहिए? बहुत simple सी चीज़ है दोस्त, आप चुपचाप से उठाएं अपने एरर लॉग्स, आपने जो भी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए थे, चाहे एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस, चाहे कोई किसी बुक से, चाहे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, आपने जो भी क्वेश्चंस में पहले गलतियां कर रखी आप एक बार उस पर नजर मार लें, वो बहुत बेहतर होगा। सेकेंड, वॉट यू कैन डू इज इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट दीज मॉक एग्जाम्स इटसेल्फ, आप इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को टेस्ट करिए बट एक एग्जाम सेटिंग में मत करिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऐसा मत करिए कि आप 10 क्वेश्चंस एक साथ दे रहे हैं। व्हाट यू कैन डू इज लेट्स से आपने कॉर्पोरेट इश्यूअर्स और इक्विटी खत्म किया, तो सिर्फ कॉर्पोरेट इश्यूअर्स और इक्विटी वाला पोर्शन कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट विद द करंट सेटिंग आप ऑनलाइन जब एग्जाम देते हैं सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, तो ये चीज उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, बट स्टिल इफ यू वर्क अराउंड, इफ यू कैन जस्ट स्किप द अदर पीसेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड जस्ट मूव टू द पार्ट व्हिच इज रिलेवेंट, आई एम श्योर यू विल गेट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। या फिर अगर आपके पास कोई किसी सर्विस प्रोवाइडर की क्वेश्चन बैंक है और आप उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सिंपली अपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपने उसी समय रिवाइज किए वही वाले सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर, उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक क्रिस्प रिविजन भी हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मूविंग ऑन टू द सेकेंड मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 2। अगर आप लास्ट 3-5 दिन में ना, आपका फोकस होना चाहिए रिविजन पे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो लास्ट 3-5 दिन में भी ये ट्राई कर रहे हैं कि वो हाथ से क्वेश्चंस करेंगे। नो यू कांट डू दैट। यस देयर इज अ लॉट ऑफ अर्ज टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बाय हैंड, तो आप ये कर सकते हैं कि 3-4-5 सवालों में से कोई एक हाथ से कर लिया,
ये बिल्कुल नहीं हो सकता दैट यू आर अटेम्प्टिंग 100% क्वेश्चंस बाय हैंड. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल यार, जस्ट नॉट पॉसिबल. इट्स लाइक दिस, 10 सब्जेक्ट्स है. रीडिंग्स की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में 7 से 8 रीडिंग्स है, ठीक है ना. 80 से 100 चैप्टर्स हो गए हैं. अगर आप 100 चैप्टर्स सोच रहे हैं कि इनके सारे के सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर देंगे, अराउंड 2000 क्वेश्चन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सॉल्यूशन क्या है, बीच बीच के कुछ क्वेश्चन पिक कर लीजिए, जस्ट टू गिव योर कॉन्फिडेंस अ बूस्ट. एज आई सेड अर्लियर, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी प्रिजर्व इन द लास्ट 1 वीक. करना क्या होगा, लास्ट 5 दिन में आपको टारगेट करना चाहिए कि आप मिनिमम 2 रिविजन करके जाए. तो इट्स लाइक दिस, पहले 3 दिन में 1 रिविजन, बाद के 2 दिन में 1 रिविजन. सब्जेक्ट्स आप डिसाइड कर लें, मेक अ मिक्स एंड मैच ऑफ योर पॉजिटिव और योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड योर वीक सब्जेक्ट. किसी भी एक दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे वीक कर लिए, और किसी भी दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे स्ट्रॉन्ग कर लिए. Maybe a couple of weak ones and a couple of strong ones would be a good mix, right? Also, when you are making a mix of these 5 days, it's very important to make sure ki aap har topic ko revise karke ja rahe hain. Exam mein kuch bhi important, kuch bhi less important nahi hai, trust me. Jo 3 din aapko pehle revision karne ka mauka mil raha hai, usme aapko har subject, har chapter, har single LOS, har ek statement dobara padhna hai. Har wo question jisme pehle problem hoti hai, usko dobara karna hai. The easier ones, the easier questions can be skipped. But those questions which are a part of your error log, या फिर the questions which have troubled you earlier, need to go through your eyes once again. एक बार अपनी नजरों से सब कुछ निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है last के 5 दिन. Moving to the next mistake. मुझे ना बहुत बार students के call आते हैं, जिसमें students मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें XYZ prep provider की ये वाली summary book को पढ़ना चाहिए क्या? This summary book will encapsulate 100 pages में complete course. What this prep provider claims is that ki isme 70-80-90% important stuff cover ho jata hai in just 100-150 pages. Again, I think this is suicidal for your preparation. Bahut simple si baat hai dosto, aap 6-8 mahina kuch aur text padhte hue aaye aur ab last 1 week mein your plan is to study something which is unique. Aapki visual memory set nahi hui hai, aapko aadat hai ki aap specifically apni handwriting, apne highlights ko padhte hue aaye. अब आप लास्ट 1 वीक में एक स्पेसिफिक न्यू बुक उठाओगे, उसको A2 से इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ोगे, नो, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस दैट यू वांटेड टू. सेकंड, दुनिया में किसी को नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है CFA के एग्जाम्स. ट्रस्ट मी, आफ्टर हैविंग गिवन दीज एग्जाम्स, आफ्टर हैविंग ट्रेन्ड सो मेनी स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग वर्क्ड क्लोजली विद सो मेनी स्टूडेंट्स, द ओनली आउटपुट दैट आई हैव और द ओनली कमेंट दैट आई हैव अबाउट दीज एग्जाम्स इज दैट Each and everything is equally testable. Do not try to pick and choose कि ये testable है ये नहीं है. आपको जो चीज लग रही होगी ना कि इतना फालतू सवाल थोड़ी ना पूछेगा, या इतना ज्यादा in depth, या इतना ज्यादा nitty-gritty में जाके थोड़ी ना पूछेगा. Trust me, CFA Institute will take you into deep waters and will make sure that you are left out there if you are just handpicking the topics that you want to study. Please don't do that mistake. Long story short, बोलना क्या चाह रहा हूँ. Point number one. मॉक एग्जाम्स बिल्कुल नहीं देने लास्ट 1 वीक में. क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मन है तो या तो एरर लॉग से करो, या तो एंड ऑफ करिकुलम के मुश्किल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, या तो मॉक एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर लो, बट मेन सब्जेक्ट का रिवीजन करने के जस्ट बाद. बोलना का ये मतलब है कि ऐसा मत करो कि 10 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट कर लो. एक एक दो दो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आफ्टर अटेम्प्टिंग, आफ्टर स्टडीइंग द सब्जेक्ट इटसेल्फ अटेम्प्ट करिए. मेक श्योर दैट योर कॉन्फिडेंस इज sky high. Point number 2, 100% questions तो होने से रहे इस टाइम पे. 100% revisions जरूरी है. सारे के सारे concepts आंखों से एक बार ही निकलना जरूरी है. आपको अगर questions attempt करने भी हैं, तो वो sample basis पे कुछ difficult वाले कर लें, या ऐसा कर लें जिन questions में पहले कभी कुछ गलती हुई थी, problem हुई थी, उसे attempt कर लें. सारे के सारे questions attempt करने के पीछे ना भागें. Point number 3, कोई भी summary module पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो आपके notes थे, वही perfect है इस time पे आपके लिए. Visual memory will help you get through the finish line. Trust me. Now, the last segment, the bonus segment that is relevant only for L2 folks. As such, L3 folks ke liye bhi relevant rahega. Dhyan dijiyega. It's like this. L2 and L3, dono ke dono exams mein case study format mein questions aate hain. Agar main L2 ki baat karu, to each section, each half, AM session and PM session, both will have 11 case studies of 4 questions each. Meaning, एक case study में 4 सवाल पूछे जाएंगे. Now, what had happened in L1 was, एक question पूछा जाता था, you had to solve it and you move ahead to the next piece. यहाँ पे difference क्या होने वाला है? आप पूरे का पूरा case study पढ़ने के बाद 4 questions solve करोगे. This is not the right way. पूरे के पूरे case study से 4 questions जरूर आ रहे हैं. But what happens is that, generally, ऊपर का part, first paragraph of the case study will pertain to question 1 of the case study.
पैराग्राफ टू ऑफ द केस स्टडी विल पर्टेन टू क्वेश्चन टू ऑफ द केस स्टडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द बेस्ट वे टू टैकल द केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स इज कि आप थोड़ा सा केस स्टडी पढ़े और उसके बाद उसका रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़े. व्हाट इज इनकरेक्ट और व्हाट इज वेरी वेरी बैड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव इज कि आप पहले पूरी की पूरी केस स्टडी पढ़ लें और उसके बाद जब क्वेश्चन पे आए तो आपका ध्यान ये जाता है कि आपको केस स्टडी का रिलेवेंट पोर्शन याद ही नहीं है. तो द बेस्ट वे इज कि आप केस स्टडी को थोड़ा सा पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आए. सिमिलरली टॉगल बिटवीन द केस स्टडीज एंड द क्वेश्चन. दैट्स हाउ यू नीड टू टैकल एंड नॉट गोइंग थ्रू द केस स्टडीज इन वन गो और गोइंग थ्रू द क्वेश्चन इन वन गो. That's a very very big mistake that a lot of students make in LLB. वैसे एक बात बोलूं, मुझे लगता है CFA का exam तो शायद उतना मुश्किल है ही नहीं पास करना. आप सोच के देखिए ना, L1 का result 35-40% जाता है, L2 results are around 45-50%. 45-50, just think of it once. It's like this, most well-prepared students will pass. I won't disagree that yes, there are times that even a very well-prepared student does not cross the finish line. And it's a pity, बहुत दुख होता है. But that's what professional exams are, isn't it? Even the well-prepared candidates will flunk. You can't help it. That's why this brand is so big. Agar aise hi faltu mein exam pass ho jata, jo bhi banda exam dega, if everyone is going to clear, then trust me, the coveted brand of CFA would not really exist. The brand is coveted because it is elusive. It is difficult to get that certification, to get the charter holder. That's why everyone aspires for it, right? Now with that, I'll take your leave. As I always say, may God be by your side. I'll see you at the finish line. Bye-bye. All the very best.